अस्सलामुअलैकुम ऑफिशियल मैक्सिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बर्रा, वो भी ग्रेवी वाली, जिसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और सिल्की होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं एक कप दही यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं आप दही कितनी गाढ़ी है। मैंने इसे पहले ही कॉटन के कपड़े में छान लिया था, देखिए दही बहुत गाढ़ी है। यहाँ मैंने आधा नींबू का जूस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून रेड कश्मीरी पाउडर ली हूँ रंग के लिए, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आप चाहे तो वाइट पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नमक आप अपने हिसाब से रखिए। मैंने 1 टेबल स्पून भरकर मस्टर्ड ऑयल डाला है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह मिला लिया है। यहाँ मैं 1/2 किलो चिकन यूज़ कर रही हूँ। ये मसाला हम चिकन पे लगाएंगे। चिकन के पीसेस पे हमने कट्स लगा दिए हैं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। अच्छी तरह से मैंने चिकन पे सारा मसाला लगा लिया है। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। इनको फ्रिज में जितना ज़्यादा देर रखें उतनी अच्छी बात है, आप चाहे तो 24 घंटा भी इसे रख सकते हैं। मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अब उसमें 2 टीस्पून बटर ऐड करूँगी। बटर को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देना है। मैरिनेटेड चिकन 1-1 करके रख देंगे। सारे चिकन के पीसेस हमने रख दिए हैं। इस दौरान फ्लेम को मीडियम रखना है। चिकन एक तरफ से अच्छी तरह से लाल हो चुकी है। अब मैंने इसे दूसरी तरफ पलटा लिया है ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये चिकन रेडी होती है, हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो चलिए इसकी ग्रेवी बनाते हैं। अब चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए हमारी चिकन अच्छी तरह से भून चुकी है। ये भूनने के बाद ही इतनी टेस्टी लग रही है। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी बड़ी कटी हुई। ध्यान रहे कि प्याज को लाल नहीं होने देना है, सिर्फ नरम होने देना है। यहाँ मैं काजू यूज़ कर रही हूँ 15 से 20। मैंने काजू को पहले पानी में भिगो दिया था ताकि काजू नरम हो जाए। इस दौरान अगर आप हाई फ्लेम रख रहे हैं तो इसे चलाते रहिए ताकि कांदा अंदर से जल ना जाए। इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि प्याज नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। मैंने जार में डाल दिया है और ठंडा भी कर लिया है। अब इसमें दही मिलाएंगे 1 प्याला भर के, 1/2 कप फ्रेश क्रीम मिलाएंगे, 5 से 6 हरी मिर्ची है, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज़्यादा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून यह मैंने कसूरी मेथी ली हूँ, इसे मैंने भूनकर रोस्ट कर ली हूँ, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आप चाहे तो वाइट पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है। सबको बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेना है। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर ली हूँ। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून बटर ऐड करूँगी। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें गार्लिक ऐड करेंगे चॉप किया हुआ, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड की हूँ। ये सारी चीज़ों को हमने लाइटली गोल्डन कर लेना है। किया हुआ ग्रेवी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है ताकि दही फट ना जाए। मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ग्राइंड करते हुए ऑलरेडी थोड़ा सा पानी यूज़ की थी। इसमें मैं अपना चिकन ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे अब हम सर्व कर लेंगे।
तो देखिए हमारी चिकन बर्रा ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए कि रेसिपी कैसी बनी है, आप लोगों को कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।